हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले 2022 की ट्रेंडी बियर स्टाइल के बारे में। इसके अलावा अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे अपने फेस पे डिफरेंट स्टाइल ऑफ बियर्ड रखना पसंद है तो दिस वीडियो फॉर यू गाइस। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी पैची बियर्ड आती है आपके फेस पे या फिर आपके थिन हेयर आते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। सो गाइस, यहां पे मैंने बियर्ड को दो तरीके में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फुल फेस बियर्ड एंड सेकंड वन इज द पैची बियर्ड। तो गाइस, अगर आपको फुल फेसिंग पे बियर्ड आती है तो उसके लिए कुछ बियर्ड स्टाइल मैं आपको यहां पे सजेस्ट कर रहा हूं, जिसमें नंबर वन है स्टबल बियर्ड। स्टबल बियर्ड जो है गाइस, वो एक यूनिफॉर्म बियर्ड है या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपर्पज बियर्ड है। ये बियर्ड गाइस अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो। इसका जो लेंथ होता है ना गाइस, 0.5 से 1 के बीच में होता है और ये पूरे फेस पे एक जैसी होती है और आपके नेक एरिया पे, आपके चिक्स एरिया पे प्रॉपर तरीके से शेप्ड होती है। आप अपने कैजुअल फॉर्मल किसी भी यूनिफॉर्म के साथ इसे पहन सकते हो, बहुत ज्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश बियर्ड होती है। और बिगनर को तो ये बियर्ड स्टाइल मैं बिल्कुल भी सजेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा बेहतरीन लगती है। सेकंड जो बियर्ड स्टाइल है गाइस, वो है शॉर्ट बॉक्स बियर्ड स्टाइल। तो अगर आप स्टबल बियर्ड नहीं रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि थोड़ी सी डार्कर फॉर्म में आप बियर्ड रखो, तो शॉर्ट बॉक्स बियर्ड स्टाइल में क्या होता है, ये आपकी जो स्टबल बियर्ड होती है उसी तरीके की बियर्ड स्टाइल होती है पर थोड़ी सी डार्कर होती है। ये 1.5 टू 2 के बीच में इसका जो साइजिंग होता है हेयर्स का, तो ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश लगती है। आपकी स्टबल बियर्ड का एक एडवांस फॉर्म आप इसे बोल सकते हो। बात करते हैं तीसरी बियर्ड स्टाइल की, जो कि है गाइस टेपर्ड बियर्ड स्टाइल। तो टेपर्ड बियर्ड स्टाइल थोड़ा सा यूनिक एंड स्टाइलिश है। अगर आप थोड़ा सा हाई लुक या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको अच्छी घनी बियर्ड आती है, थोड़ा सा यूनिक लुक ट्राई करना चाहते हो, तो आप टेपर्ड बियर्ड को ट्राई कर सकते हो। टेपर्ड बियर्ड में क्या होता है ना, आपके चिक्स एरिया की जो बियर्ड होती है वो थोड़ी सी फाइन होती है या फेडेड होती है और आपके चीन एरिया की जो बियर्ड है ना वो थोड़ी थिकर होती है, जिससे आपका फेस लंबा भी दिखता है। तो अगर आपका थोड़ा राउंड और शॉर्ट फेस है तो आप इस बियर्ड को ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लगती है। बात करते हैं फोर्थ बियर्ड स्टाइल की, जो कि है मुस्टैच एंड बियर्ड। तो गाइस, अगर आप ऐसे बंदे हो जिन्हें जो बियर्ड थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट फॉर्म में अपनी बियर्ड स्टाइल करनी है, तो आप बियर्ड एंड मुस्टैच बियर्ड को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। इसमें आपकी जो मुस्टैच होती है ना वो फुल्ली राउंडेड फॉर्म में होती है और आपकी जो बियर्ड होती है वो अच्छी खासी ग्रोइंग बियर्ड होती है, थोड़ी सी लंबी होती है बियर्ड। और ये वाला बियर्ड आपको अपने इधर इंडिया में ठाकुर्स एंड राजपूत लोग ज़्यादातर कैरी करते हुए देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लगता है। फिफ्थ वाला जो बियर्ड स्टाइल है वो है लॉन्ग या वाइकिंग स्टाइल बियर्ड स्टाइल। तो ये वाला बियर्ड स्टाइल रखने का रीज़न यही है, जब से KGF हमारे इंडिया में भी लॉन्च हुआ है या ये मूवी जब से रिलीज़ हुई है तब से लोगों को बियर्ड रखना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। तो आप इस लॉन्ग या वाइकिंग स्टाइल बियर्ड को भी कैरी कर सकते हो, पर ये बहुत हाई मेंटेनेंस और बहुत इसे मेंटेन करना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है इस बियर्ड को। तो जब भी अगर आप इस बियर्ड को रख रहे होंगे तो इन सब चीज़ों का आप सोच लेना। सो गाइस, वीडियो के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि पैची बियर्ड। तो अगर आपको थोड़ी पैची बियर्ड आती है तो 2022 में आप किस किस तरीके से उन्हें स्टाइल कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जिसमें नंबर वन स्टाइल है वैन डैक बियर्ड स्टाइल। तो गाइस, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे उसके फेस पे बिल्कुल भी बियर्ड नहीं आती, आपके चिन एरिया पे और आपके मुस्टैच पे थोड़ी सी आपको बियर्ड ग्रोथ होती है, तो उसे आप स्टाइल कर सकते हो वैन डैक स्टाइल में, जिसमें आपके मुस्टैच एंड चिन के जो हेयर है इसे प्रॉपर तरीके से सेट किया जाएगा और आपके चिन एरिया के जो बियर्ड है या फिर हेयर से उन्हें अच्छे तरीके से ब्लेड से रिमूव कर दिया जाएगा एंड आपकी मुस्टैच और बियर्ड दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, पर ये बहुत ज़्यादा यूनिक एंड स्टाइलिश लगता है गाइस। इस इमेज में आपको दिख भी रहा होगा। बात करते हैं सेकंड स्टाइल की, जो कि है गाइस गोटी बियर्ड। गोटी बियर्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश बियर्ड स्टाइल है। अगर आपको फुल फेस पे बियर्ड नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है गाइस। ये बियर्ड स्टाइल आपको करते हुए गाइस आपने जो मशहूर मूवी है आयरन मैन, जिसमें टोनी स्टार्क को कैरेक्टर का नाम रहता है उसे, या फिर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जो हमारा जैक रहता है उसे इस तरीके के बियर्ड स्टाइल कैरी करते हुए दिखा होगा। एंड अभी गाइज हमारे जो करंट में हॉलीवुड स्टार एंड WWE के सुपरस्टार रॉक, उसे उन्हें भी आपने इस तरीके की जो गोटी बियर्ड स्टाइल करते हुए देखा होगा गाइज, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टाइलिश लगती है गाइज। इसे भी अगर आप कैरी कर सकते हो अगर आपको थोड़ी पैची बियर्ड आती है। बात करते हैं तीसरी बियर्ड स्टाइल की, जो कि है शेवरॉन बियर्ड स्टाइल। तो ये जो बियर्ड स्टाइल है इसमें अगर आपके फेस एरिया पे, आपके चिक्स एरिया पे, आपके चिन एरिया पे अगर आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा पैची बियर्ड आती है तो उसे आपको बिल्कुल तरीके से क्लीन शेव कर लेना है या फिर एकदम ही ट्रिमर से पूरा जीरो पॉइंट पे सेट करके ट्रिम कर लेना है और आपकी मुस्टैच को थोड़ा सा आपको थिकर रखना है, अच्छा रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश लगती है गाइस। आपकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है तो ये जो बियर्ड स्टाइल है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश लगने वाली है और हर कोई आपको नोटिस करने वाला है गाइस। बात करते हैं फोर्थ बियर्ड स्टाइल, जो कि है बैल्बो बियर्ड स्टाइल। तो गाइज आपके फेस पे अच्छे खासी बियर्ड अगर आपको आती है बट कुछ कुछ जगह पे वो पैची है तो उसे सेट करने के लिए है बैल्बो बियर्ड स्टाइल।
का यूज कर सकते हो आप। इसमें गाइस आपके चीक्स एरिया, आपके चीन एरिया एंड आपके मुस्टैच को आपको अच्छी तरीके से सेट करना होता है, जो थिक एरिया है उनके हेयर्स को। और अच्छे तरीके से सेट करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो फेस लुक है ना, वो पहले से ज़्यादा स्टाइलिश एंड एडवांस दिखने लगा है। आपके चीक्स एरिया पे जो आपकी बियर्ड है उसे आपको अच्छी तरीके से लाइनिंग में सेट करनी है, आपकी नेक एरिया की बियर्ड को अच्छी तरीके से सेट करनी है। और अगर आपकी मुस्टैच बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, जो कि आपका जो आपके चीन एरिया की बालों से जाके वो अटैच नहीं हो पा रही, तो उसे भी अच्छे तरीके से वहीं पे आप सेट कर दे बार्बर का हेल्प से, तो ये बहुत अच्छी बियर्ड स्टाइल लगती है गाइस, बहुत बेहतरीन लगती है और फुल फेसिंग बियर्ड स्टाइल के एकदम करीब ही होती है और बहुत बेहतरीन लगती है। बात करते हैं नंबर 5th जो लास्ट बियर स्टाइल है इस पैची बियर्ड वाले सीरीज में, तो इसमें है चेन स्ट्रैप बियर स्टाइल। तो गाइस अगर आप ऐसे बंदे हो जिसे आपके फुल ऑन फेस पे सिर्फ चिक्स एरिया पे बियर्ड ना आते हुए जो एक चेन स्ट्रैप होता है हमारा चेन का, वहाँ पर ही बियर्ड आती है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस चेन स्ट्रैप को स्टाइल कर सकते हो अपने हेयर्स के साथ, और ये भी आपके फेशियल लुक को ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव दिखाने में आपको हेल्प करता है। इसमें दो तरीके के टाइप होते हैं गाइस, जिसमें आपको सिंपली चेन स्ट्रैप रख सकते हो और इसके अलावा अगर अपनी गोटी के साथ उसे ज्वाइन कर सकते हो, तो ये दोनों ही फॉर्म में बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड स्टाइलिश लगता है। तो अगर आपको पैची बियर्ड आती है तो आप इस तरीके की बियर्ड स्टाइल का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा गाइस मैं बात करने वाला था कि अगर आपको थोड़ी सी पैची बियर्ड आती है या थोड़ी थिन हेयर आती है तो किन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, वो टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे नंबर 1 तरीका है गाइस, आप जब भी कभी अपने जो आपको बहुत ज़्यादा थिन हेयर आ रहे हो तो उसे आप ब्लेड की यूज़ से पूरा रिमूव कर ले, वो आपको हेल्प करेगा आपके जो थिन हेयर अभी आ रहे हैं उन्हें थोड़ा थिक प्रोड्यूस करेगा या थोड़े से आपको हेवी हेयर आने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डेज में आप अपने बालों पे या फिर फेस एरिया के जो आपके हेयर्स है उस पर थोड़ा सा ऑयल से मसाज किया करें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़े और आपकी हेल्दी और अच्छी हेयर की ग्रोथ हो, वो भी आप तरीका कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ टाइम अपने फेस को अच्छे तरीके से वाटर से वॉश किया करें जहाँ पे आपकी बियर्ड है, ताकि जो भी पॉल्यूशन या डर्ट पार्टिकल वहाँ पे जाके अटक गए वो रिमूव हो और आपके फेस को ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए, ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिले, ताकि आपकी अच्छी बियर्ड की ग्रोथ हो सके। तो इन तरीकों का आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है पर लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी और हेल्दी बियर्ड ग्रोथ के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 ऑप्शन और है जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे वीडियो बनाने के बाद में ध्यान में आया। तो यहाँ पे नंबर 1 है डर्मा रोलिंग, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अच्छे ब्लड फ्लो के लिए अपनी स्किन पे, जो आपके जो हेल्दी हेयर प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा या फिर आपके थिन हेयर को थिक करेगा, और कुछ भी हेयर नहीं आ रहे तो हेयर्स आने में आपको हेल्प करेगा वहाँ पे आपके चिक्स एरिया पे। इसके अलावा 2nd ऑप्शन है मिनोक्सिडिल आप यूज़ कर सकते हो, जो कि वो भी आपके हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए आपके थिन हेयर को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। पर ये दोनों ऑप्शन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे कुछ एडवाइस ले, वो आपको जो सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से अपने चेहरे पे डर्मा रोलिंग और मिनोक्सिडिल को यूज़ करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इन चीज़ के आपको अनदर रिएक्शंस हो जाए एंड ऑल। तो आई सजेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट टू एनी डर्माटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग दिस थिंग्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड वी विल मीट सून गाइस।